किंवा नारी शक्तीला इतक्या मोठ्या प्रचंड आणि फक्त आयसी कॉलनी या भागातल्या आणि कांदरपाडा सर्वांना मी मनपूर्वक शुभेच्छा देतो. प्रथम मी जेव्हा आलो तर आमच्या मराठी शब्द आहे बोलक्या भाऊल्या, त्यांचा कार्यक्रम चालू होता. तभी मुझे ऐसा लगा कि देश भी ऐसा चला है, उनके माहौल एक ऐसा ही चल रहा है, देश महाराष्ट्र भी ऐसा चल रहा है. आज हमारी तेजस्वी कॉर्पोरेटर की जो उनकी मुदत थी, आज इलेक्शन नहीं हुआ, एक साल उदावट नगर सेवक उदावत कॉर्पोरेटर मुंबई महानगर पालिका चल रही है. विदाउट इस महाराष्ट्र में ZP नहीं हो रही इलेक्शन, नगर पालिका इलेक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन मैं कॉन्ग्रेचुलेशन करता हूँ अभिषेक और तेजस्वी को. नगर सेवका नहीं होने के बाद आप लोगों ने हमें फैमिली करके स्वीकारा, एक फैमिली मेंबर करके भी नगर सेविका जैसा उनका पूरा काम. एक दिन भी नगर सेविका नहीं आया, अभी चुनाव होएगा तभी देखेंगे, ऐसा नहीं करके पूरा अभिषेक और तेजस्वी पूरा टाइम हम नगर सेवक हो या नहीं हो, हम जनता के सेवक है. इस भावना से आपके साथ जुड़े हैं, इसलिए दोनों को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ. और सभी आज मुझे तेजस्वी जी ने एक क्या बोलते हैं उसका एनुअल डे, जूनियर के जी सीनियर के जी का हम एनुअल डे देखने के लिए जाते हैं, तभी आज ऐसा लगा कि मैं एनुअल डे में आया हूँ. सभी छोटे छोटे बच्चे लोग ने अच्छा डांस किया, अच्छा परफॉर्म दिया, लेकिन उससे उनको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ. लेकिन इससे हम लोगों को आप सभी लोगों को ऊर्जा मिलती है कि यस दिस इज द परफेक्ट. तेजस्वी घोषालकर के माध्यम से वार्ड नंबर 1 में आज महिला दिन यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया. आपने देखा होगा कि यहाँ पे महिलाओं को भारी संख्या में तो उपस्थित थी महिलाओं को हम लोग ने यहाँ पे अलग अलग गेम के माध्यम से बिजी रखा. मेरे ख्याल से महिला हर वक्त अपने घर के काम के वजह से या ऑफिस के काम के वजह से वो अपने फैमिली में ही बिजी रहती है, तो आज वुमेंस डे के माध्यम से हम लोग ने आज ये जो कार्यक्रम रखा उनमें उनको थोड़ा एंटरटेन, उनको थोड़ा म्यूजिकल फंक्शन, यहाँ पे महिलाओं के परफॉर्मेंस भी हुए, छोटे बच्चों के परफॉर्मेंस भी यहाँ पे हुए, एक अच्छा एंटरटेनमेंट कार्यक्रम रखने का काम आज वार्ड नंबर 1 तेजस्वी घोषालकर के माध्यम से यहाँ पे हुआ है. थैंक यू सर. आप देखा होगा कि आईसी कॉलोनी में हम लोग ने हर एक तरह का फेस्टिवल भी हम लोग सेलिब्रेट करते, हर एक तरह का कोई जात धर्म जाति नहीं है. यहाँ गणपत पाटिल नगर में उत्तर भारतीय लोग हमारे रहते हैं, तो हम लोग छठ पूजा भी बड़ी धूमधाम से वहाँ पे करते. क्रिसमस में आपने देखा होगा कि क्रिसमस भी हम लोग बहुत धूमधाम से वहाँ पे सेलिब्रेट करते. महिला दिन भी हम लोग ने, गणपति हो, ये सभी त्यौहार मेरे ख्याल से एक वार्ड नंबर 1 ये कॉस्मोपॉलिटन वार्ड है और यहाँ पे हर एक जाति धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं और सबको साथ में लेके हम लोग आज इस वार्ड का जो भी विकास कर रहे हो, डेवलपमेंट कर रहे हैं, और सबका हमें एक भारी संख्या में सपोर्ट भी यहाँ पे मिल रहा है और उनके सपोर्ट से ही हम ये सब कर पा रहे हैं. और मैं तो स्पेशली महिलाओं के लिए यही कहना चाहता हूँ कि आज का ये महिला दिन ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं है, तो ये 365 दिन ये महिलाओं का ही दिन है. महिलाओं का ही आज मेरे ख्याल से जो महिला जिस तरह हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ती जा रही है और हर एक क्षेत्र में वो प्रगति करती जा रही है, तो महिलाओं के पीछे जैसे कहा जाता है कि एक जेंट्स का हाथ रहता है कि महिला को सपोर्ट करने के लिए, उसी तरह मैं मानता हूँ कि आज मैं जो भी हूँ, आज मेरी माँ के वजह से हूँ, आज मेरी धर्मपत्नी के वजह से हूँ, आज उनका अगर मुझे सपोर्ट नहीं रहता तो आज मैं इस प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़ा होता. तो ऐसे ही सभी अगर पुरुष समझते हैं तो पुरुष
और महिला, ये अलग अलग नहीं है, तो एक ही जेंडर है और एक ही ताकत से वो लोग आज देश को आगे लेके जाने का काम कर रहे हैं। कई महिलाओं ने खूब जम के तारीफ की आपकी और आपके वार्ड की भी तारीफ की, हालांकि नंबर वन वार्ड तो पहले से ही रहा है। क्या कहेंगे महिला दिवस के मौके पर लोगों के लिए, महिलाओं के लिए? मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगी क्योंकि ये वार्ड में इतनी महिलाएं हैं जो सक्षम है और उनको हम लोगों ने वुमेन्स अचीवर्स करके अवार्ड दिया है। इसके लिए वो हर दिन की हकदार है कि वो हर दिन वुमेन्स डे मनाया कर। कई तरह के कार्यक्रम किए गए, क्या क्या कार्यक्रम हुआ, सभी महिलाओं को गिफ्ट दिया गया? आज बहुत सारे कार्यक्रम हुए जो कि जिसका जिसका शैली है वो सामने आया, जिसको डांस करना है, जिसको गाना गाना है, स्पॉट प्राइजेस रखे थे, ऐसे बहुत सारे कार्यक्रम थे। मैडम, वार्ड नंबर एक और लोग कहते हैं यहाँ के नंबर भी एक कार्यक्रम होता है, क्या कहना मैडम? क्योंकि यहाँ पे पहले से घोसालकर फैमिली ने बहुत सारा काम किया है। पहले तो अंदर विनोद घोसालकर थे, तभी उन्होंने काम किया था, बाद में अभिषेक घोसालकर आए, बाद में मैं आई, तो मेरे लिए बहुत ईजी हो गया यहाँ पे काम करने के लिए। और आप देख सकते हो कि यहाँ पे आईसी कॉलोनी एक नंबर वार्ड जैसा ही दिखता है और एक नंबर ही है। मैडम अभिषेक जी कह रहे थे कि मेरी तरक्की का राज है आप हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मेरी तरक्की का राज वो है क्योंकि उन्होंने मुझे आगे लेके आया एक महिला करके। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है कि एक मतलब असाधारण घर की होके भी पॉलिटिक्स में लाके, और उस बोलते हैं ना कि उसका कैरेक्टर अच्छा रखा, 5 साल तक कुछ दाग नहीं लगा, यही मेरे लिए बहुत अच्छा। महिलाओं को वुमेन्स अचीवर्स अवार्ड दिया गया, मैंने अभी बोला था कि यहाँ के महिला बहुत सक्षम है। इसके लिए हम लोगों ने आज प्रोग्राम रखा था कि जो जो वुमेन्स अचीव किया है उन लोगों को अवार्ड दे, और 10 महिलाओं को हम लोगों ने अवार्ड दिया।